भैया यहाँ पर हमें पीसी पार्ट्स की प्राइसिंग चाहिए मिल जाएगा, जैसे कि 1660 सुपर 50,000 रुपए का एक टाइम पे हो गया था माइनिंग की वजह से, कम हो गया, कितना हो गया? 25,800 तो मतलब प्राइसिंग तो बहुत सही है, मतलब 2200 रुपए की D30 भाई बहुत सही है यार फिर तो। अच्छा अगर कोई मतलब अगर बेंगलुरु के बाहर का है, ऑल इंडिया डिलीवरी कर देते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप में से जो लोग चीप में विंडोज 10 या विंडोज 11 की कीज खरीदना चाहते हैं वो हमारे स्पॉन्सर्स की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विंडोज 10 और विंडोज 11 काफी कम प्राइसेस में देखने को मिलती है, और भी अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ, जाकर चेक कर सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि यार पीसी पार्ट्स के जो प्राइसेस है ना वो काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हो रहे हैं, और कई सारे लोग मेरे से ये बोल रहे थे कि भैया जाकर आप लोग ऑफलाइन टूर करिए, मार्केट को एक्सप्लोर करिए, ताकि पता चल सके कि ऑफलाइन मार्केट में पीसी पार्ट्स के क्या हाल चाल है। और तभी मैंने सोचा एक काम करते हैं, दिल्ली कई बार जा चुके हैं, इस बार बैंगलोर चलते हैं। और कानपुर से बैंगलोर जाने के लिए हम लोग आ गए हैं कानपुर के एयरपोर्ट। मैं आपको बता दूं, कानपुर से अगर आप बैंगलोर जाते हो ना तो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बाय ट्रेन लगभग 2 दिन लग जाते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से हम लोग बाय ट्रेन जाने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली कानपुर का जो एयरपोर्ट है वो एक कॉमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है, ये केवल आर्मी का एयरपोर्ट है, तो इस वजह से यहाँ पर जो स्पेस है वो बहुत कम रहता है। और अभी यहाँ पर जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो उन्होंने मेरे से बोला कि भैया आपका अभी टाइम नहीं हुआ, आप लोग ऐसा एयरपोर्ट के बाहर ही वेट करो। तो हम लोग यार अभी बाहर ही बैठे हुए हैं, आई नो थोड़ा सा स्ट्रेंज ज़रूर है लेकिन अब ऐसा है यार, तो है। बहुत ही ज्यादा थकावट वाला था तो हम लोग यहाँ पर होटल में आए और सो गए थे, तो इस वजह से आगे का वीडियो शूट नहीं हो पाया। अभी अभी यहाँ पर सुबह हुई है, यहाँ पर मैंने अभी नहा लिया, अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। यहाँ पर मैं आपको आगे का शेड्यूल भी बता देना चाहता हूँ कि आगे हम लोग वीडियो में क्या करने वाले। देखो अभी हमारा प्लान ये है कि हम लोगों का एक AMD के साथ पेड पार्टनरशिप चल रहा है, जहाँ पर हमें उनके स्टोर पे जाना है, थोड़ा बहुत शूट वूट करना है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर मार्केट में भी विजिट करेंगे, ऑफलाइन मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, कौन कौन से शॉप्स हैं। अब काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे DM भी किया था कि भैया जाना तो आप लोग सुपर कंप्यूटर के शॉप पे भी ज़रूर जाना, उनके पास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पेरिफेरल्स भी होते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग अभी विजिट करने वाले हैं। अब एक काम करते हैं, आगे का ब्लॉग बाहर चल के शूट करते हैं। यहाँ पर अपना केबल वेबल भी रख लेते हैं क्योंकि चार्ज करने काम आएगा। और ये रहा मेरा पावर बैंक, ये भी ले लेते हैं, और मेरा कैमरे का बैग भी। यार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मेरे से कैसे हो सकती है, पूरा पूरा व्लॉग शूट करने आए थे और अभी भी पता चला कि मेरे कैमरे का मेमोरी कार्ड ना वो हम घर पे बोला है। यार अब पता नहीं कैसे हो गया ऐसे, लेकिन अच्छी बात है कि मेरा फ़ोन है उसकी अच्छी क्वालिटी है। अब यार पूरा पूरा व्लॉग ना वो फ़ोन से शूट करना पड़ेगा, और मेरा DSLR ना वो यहाँ पे आराम करेगा, बेकार ही लाद के इसको ले आए। केबल वेबल अपनी जेब में रखनी पड़ेगी पूरी। बैंगलोर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि पूरा का पूरा सिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, लोग यहाँ पर साफ़ सुथराई का मतलब काफ़ी ज़्यादा खास ख्याल रखते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर में हम लोग सुपर मार्केट भी विजिट करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे PC शॉप भी एक्सप्लोर करेंगे। भाई साहब ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, हालांकि आप इसे दिल्ली के नेहरू प्लेस से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल काफ़ी सारी शॉप्स हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर तो फिलहाल मोबाइल वाला है, अबे पीसी वाला कहाँ है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलत गली में घुस गया था, रियल गली ना वो ये वाली है, ये वाली इधर से जाके ऐसा है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा टेंपल बना हुआ है। यहाँ पर ही हम लोग थोड़े बहुत शॉप को विजिट करेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। देख लो यार आप लोग, काफ़ी बड़ी मार्केट है, बहुत सारी शॉप्स है, अगर आप लैपटॉप भी लेना चाहते हो देख सकते हो। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैनर टांगे एडवर्टाइज कर रहे हैं क्या भाई? भाई पता नहीं कहाँ पे गली में घुस के है। भैया यहाँ पर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड होंगे, जैसे कि RX 6600 XT का प्राइस क्या होगा? ये RX 6600 XT का प्राइस मेरे पास पड़ेगा 40,000 का। और अच्छा 1660 सुपर का प्राइस बता दीजिए क्या होगा? 1660 सुपर मेरे पास पड़ेगा भैया आपको 26,550 विद GST पेड़।
अच्छा, ये सारे प्राइस जो आप बता रहे हैं वो GST मिला के बता रहे हैं, और बाकी 36 का क्या प्राइस है? 36 का भैया पड़ेगा आपको 39,170 विद GST पे। 39,000? हाँ जी। और एक बात और बता दीजिए, आने वाले टाइम पे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस कम होंगे या बढ़ेंगे? अभी तो फिलहाल तो कम ही हो रहे हैं, और जैसे अभी इंटेल के ग्राफिक कार्ड आ जाएंगे तो और कम होने का चांस है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई लोग यहाँ पर हम लोग इनका एड्रेस दे देंगे, इनके साथ अगर आप इनसे खरीदना चाहते हो तो आप इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। कोटेशन मिल जाएगा? जैसे कि हमें चाहिए RTX 3060 कितने का मिलेगा इंक्लूडिंग टैक्स? अच्छा अच्छा, 30,530। और आपके पास 1660 सुपर होगा? 1660 सुपर मेरा गोडन पे पड़ा है। अच्छा, 1660 TI पड़ा हुआ है, कितने का है? गोडन में, हमारे गोडन पे। अच्छा, तो चचा का जो है वो गोडाउन था, बोल रहे थे कि हम जो है वो ऑफलाइन वो मतलब थोक में माल बेचते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की प्राइसिंग बताई नहीं, बोले जब आप आओगे तब देंगे। ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। ये दुकान थोड़ी सही लग रही है, राशि इन्फोटेक, विजिट करते हैं। स्टेशन मिल जाएगी? थोड़ा टाइम के बाद होगा जी, थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा। ओके, मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी है, जब तक आप बंदों को ये नहीं बताओगे ना कि ये वीडियो यूट्यूब पर जाने वाला है, दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू। मतलब प्राइसिंग लेनी है तो कहते हैं भाई बाद में आना, जब बिल्ड कराना तब कराना, जो कि बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं है। और मैं नहीं चाहता यार किसी को बताया जाए कि हमारा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि ऐसे बताने से ना लोग बहुत कम प्राइसिंग करके बताते हैं, तो एक तरीके से ये ट्रेड ऑफ भी है, लेकिन एटलीस्ट जो लोग प्राइसिंग बता रहे हैं वो ऑनेस्टली बता रहे हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करता ज़्यादा लोगों के सामने कि मेरा चैनल है। भैया यहाँ पर हमें PC पार्ट्स की प्राइसिंग चाहिए, मिल जाएगा? RTX 3060 की आज के टाइम पे यहाँ पर क्या प्राइसिंग चल रही है? और AMD के RX 6600 XT होगा आपके पास? कितने का है वो? 38,900। जैसे कि 1660 सुपर 50,000 रुपये का एक टाइम पे हो गया था, माइनिंग की वजह से कम हो गया, कितना हो गया? 25,800। तो मतलब प्राइसिंग तो बहुत सही है, मतलब बाकी रैम वैम भी, रैम कितने की है? ₹2,200 की D30 भाई, बहुत सही है यार फिर तो। अच्छा, आपके यहाँ लैपटॉप्स भी काफ़ी हैं, मुझे एक बात ये बताइए, आपके पास गेमिंग लैपटॉप और स्टूडेंट ऑफिस यूज़ के लिए होंगे सारे? आपको बेसिक यूज का मिल जाएगा, और सीरीज, गेमिंग सीरीज, हमारा स्टोरी है गेमिंग और बिजनेस सीरीज। अच्छा, मतलब आपके पास A to Z वैरायटी लैपटॉप्स की भी मिल जाएगी। अच्छा, जैसे कोई स्टूडेंट है वो i3 और SSD बेस लैपटॉप चाहता है तो कितने तक का मिल जाएगा? तो देखिए, आपको मार्केट प्राइस से हमारा मिनिमम आपको 4-5 हज़ार रुपये कम रहेगा। मतलब अगर बेसिक SSD वाला i3 लैपटॉप लेता है तो 35-36 का मिल जाएगा आराम से, इससे भी कम में दे देंगे। और अच्छा, आपके पास मैंने ये भी देखे कि बहुत सारे कैबिनेट वैबलेट भी रखे हुए, PC बिल्ड किए हुए, तो आप लोग क्या मतलब फुल बिल्ड मशीन करके भी देते हो? आपको प्रॉपर दिखा के देंगे। अच्छा अच्छा, अगर कोई मतलब अगर बेंगलुरु के बाहर का है, ऑल इंडिया डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करेगा, आपके पास अगर कोई कार्ड वार्ड हो तो आप मुझे कार्ड दे दीजिए। तो ये है भाई का नंबर, आप में से जो लोग शिप भी करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इनका एड्रेस भी दिया है। अभी सिर्फ GPU चाहिए, अरे नीचे लिख दो मेरे भाई, 26 सुपर 3050 अगर हो तो 3050 का भी प्राइसिंग यहाँ पे लिख दो भाई। तो एक काम करो, आप अपनी ऐसी प्राइसिंग लिख दो, हम यहाँ पे जो है इंक्लूडिंग टैक्स भी लिख देंगे। ओके ना, ये आपको 35,000 प्लस टैक्स। ओके, आपको और वीडियो बना रहे हो हमारा तो 1,000 और डिस्काउंट। थैंक यू भाई, थैंक यू। देन 2060 सुपर आपको मिल जाएगा 29,500 प्लस टैक्स के प्राइस पे, 1660 सुपर सेम आपको 27,500। ये आज की डेट की प्राइसिंग हो गई, तो आप में जो लोग बैंगलोर एंगलोर में रहते हैं इनके शॉप पे विजिट कर सकते हैं, करिएगा हमारे शॉप को, आपको भी कुछ चाहिए तो कभी भी विजिट कर सकते हैं। श्योर ब्रो, थैंक यू। हाँ मोस्टली यार, बहुत भूख लगी हुई थी, फाइनली यहाँ पर हमने ये ले लिया है, पहले खा लेते कुछ, बढ़िया लगा यार मुझे यहाँ पर, इसलिए मैंने सोचा चलो यार 30 रुपये का बनवा लिया जाए, खा लेंगे। इनका पाइनएप्पल बहुत ही ज़्यादा मीठा है यार, मज़ा आ गया भाई खा के। यहाँ पे हमको चाहिए एक 3060 RX 6600 XT और 1660 सुपर, इन सब के हमें प्राइसिंग बता दो भाई। और हाँ, इंक्लूडिंग GST बताना भाई। 550 होगा आपको। अच्छा अच्छा, तो यार ये भाई के दुकान का एड्रेस है और फ़ोन नंबर है, आप में से जो लोग कुछ लेना चाहते हैं तो इनकी दुकान पे विजिट कर सकते हैं। अब इतना सारा घूमने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो आपको मार्केट देखने को मिलती है ना भाई, वहाँ पर प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनकेस अगर आप यहाँ पर बैंगलोर में रहते हो और PC बिल्ड करना चाहते हो, मैं मानता हूँ ये एक बेहतरीन प्लेस है, आप लोग आकर विजिट कर सकते हो। ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस जो आपको ऑनलाइन दिख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन के कंपैरिजन में यहाँ पर प्राइसिंग बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो चुकी है, तो आप ये मान चलो अगर आप फुल PC बिल्ड भी करते हो ना, तो आप इजीली
4,000 to 5,000 रुपए आराम से सेव भी कर सकते हैं। लोग एक काम करते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वेल तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।